भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। और आज श्लोक संख्या कितना है? 24। जी। और क्या टाइटल दिया गया है? अज्ञानियों का पतन। अज्ञानियों का पतन। कल तक हमने क्या समझा था? श्लोक संख्या 23 में क्या समझा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। या जो अविधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, ऐसा करके जो भगवान की पूजा है वो तो हमें विधि पूर्वक करनी चाहिए, लेकिन हम देवी देवताओं की पूजा अगर कर रहे हैं तो वो भी भगवान की पूजा है लेकिन विधि पूर्वक नहीं है। ठीक है, इस बात को हमने कल समझा था। और उसके पहले जो हमने समझा था वो इम्पोर्टेंट श्लोक था, जिसमें भगवान ने बताया था कि अनन्य भक्ति के साथ में अगर कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है, आराधना करता है, तो उसके योग और क्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है वो उसको मैं देता हूँ। तो खास करके हम भक्त लोग इसको भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि हमारे पास जो है भक्ति उसकी भगवान रक्षा करते हैं, जो भक्ति में आगे और करनी है, आगे बढ़ना है जिस भक्ति में, उसको भगवान मदद करते हैं। श्लोक संख्या 24 दोहराएंगे आप में से। सुशांत की माता जी माइक अनम्यूट करके दोहराइए। यस। अहम् हि सर्व यज्ञानाम्। अहम् हि सर्व अज्ञानम्। अज्ञानम् यज्ञानाम्। यज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुः एव च। भोक्ता च प्रभुः एव च। न तु माम् अभिजानन्ति। न तु माम् अभिजानन्ति। तत्त्वेन अतः उच्चयन्ति ते। तत्त्वेन अतः च वन्ति ते। अब श्लोक में से दोहराइए। अहम् हि सर्व यज्ञानाम्। अहम् हि सर्व अज्ञानाम्। भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्ता च प्रभु एव च। न तु माम् अभिजानन्ति। न तु माम् अभिजानन्ति। तत्त्वेन अतः उच्चयन्ति ते। तत्वेन अतः बहुत अच्छा शब्दार्थ दोहराएंगे आप सभी भक्त लोग। शब्दार्थ अहम् मैं। अहम् मैं। ही निश्चित रूप से। ही निश्चित रूप से। सर्व समस्त। सर्व समस्त। यज्ञानाम यज्ञों का। यज्ञानाम यज्ञों का। भोक्ता भोग करने वाला। भोक्ता भोग करने वाला। च तथा। तथा। प्रभु स्वामी। प्रभु स्वामी। एवः भी। एवः भी। च तथा। च तथा। न नहीं। न नहीं। तू लेकिन। तू लेकिन। माम मुझको। माम मुझको। अभी जानंती जानते हैं। अभी जानंती जानते हैं। तत्वेन वास्तव में। तत्वेन वास्तव में। अतः अतएव। अतः अतएव। चवेंति ते सॉरी च्वेंती नीचे गिरते हैं। च्वेंती नीचे गिरते हैं। ते वे। ते वे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक। अतः जो लोग मेरे वास्तविक। दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते। दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते। वे नीचे गिर जाते हैं। वे नीचे गिर जाते हैं। यस, बहुत अच्छा बताया आपने। इस श्लोक में जो है आप शब्द जो याद रखेंगे वो यही है, श्लोक का शुरुआती शब्द अहम् हि सर्व यज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च। जो संस्कृत शब्द है वो यही है, अहम् हि सर्व यज्ञानाम्। जी म्यूट कर दीजिए। आप में से कौन बताएगा सेम की सेम बात भगवान ने पहले कहीं पर बताई है?
इसी तरह की कि मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूँ, सभी प्रकार की तपस्याओं का भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, इस प्रकार की बात भगवान ने कहीं पर बताई है। कौन बताएंगे? 5.29 में, 5.29। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो अंशुमान जी, सुशीला माता जी और क्या नाम है सुमन माता जी, ये सब आप नहीं उत्तर देंगे। ठीक है, 5.29 में क्या बताया था? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। भोक्ता राम भगवान क्या है? भोक्ता। और किस किस के भोक्ता है? यज्ञ और तपस्याओं के, जो हमने पांचवे अध्याय में समझा था। और वो स्वामी भी है किसके? सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के ईश्वर है, महेश्वर है सभी लोकों के, ये हमने समझा था। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस 90 अध्याय के 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा है, और मेरे बारे में जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ, इस कारण से अगर कर रहे हैं तो उन लोगों का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। समझ में आया? देवी देवताओं को क्या मान लेते हैं? वो स्वामी मान लेते हैं, मालिक मान लेते हैं। पिछले श्लोक से कनेक्ट कीजिए इसको। आशिता जी कर पा रहे हैं आप कनेक्ट? नहीं कर पा रहे, नेटवर्क नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, और कोई जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा पिछले श्लोक से? क्या कनेक्शन है माता जी बताइए पिछले श्लोक से? प्रियंका माता जी, प्रियंका की माता जी, यस बोलिए। श्री कृष्ण बाबू जी। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे बाबू जी? हाँ प्रभु जी, मुझे अब आया। क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे, मैं ये पूछा था जलेबी में दही कितना डलता है। क्या माता जी, जैसे क्यों पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ कि पिछले श्लोक से क्या संबंध है इसका? आपने हाथ खड़ा किया था इसलिए मैंने आपसे पूछा, कैसे समझेंगे पिछले श्लोक से क्या संबंध है? यस, जीतू भाम भानी जी गोवा से, गोवा आ रहे हैं हमें घुमाने के लिए, आप घुमाना अभी बताइए। पिछले श्लोक में एब्सेंट था। एब्सेंट थे, बिल्कुल सही कनेक्शन बताया आपने। कौन बताएगा? कौन बताएगा? यस आशिता जी बताइए क्या कनेक्शन है? वैसे तो मैंने उत्तर बोल दिया था, फिर भी आप सब लोगों का ध्यान नहीं था शायद। बताइए आशिता जी। तो जी लास्ट में बोला था कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजा विधि पूर्वक करते हैं, और इस श्लोक में है कि जो मतलब मुझे मुझे बराबर नहीं समझ पाते, मतलब भगवान कृष्ण को बराबर नहीं समझ पाते, वो अपने स्तर में नीचे गिरते हैं। तो सीधी सीधी बात कही गई है कि अगर कोई पिछले श्लोक में बताया गया था कि देवी देवताओं को भगवान से अलग मान करके उनकी कोई पूजा करते हैं, वो है भगवान की पूजा, वो नहीं जानते लोग कि किसकी पूजा करे, अल्टीमेटली तो भगवान की पूजा, लेकिन कैसी है वो? अविधि पूर्वक पूजा है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है जो भगवान को नहीं जानते, जो भगवान के वास्तविक असली ओरिजिनल रूप को नहीं जानते हैं, जो भगवान का जो परम परम ईश्वर के रूप में जो अस्तित्व है उसको नहीं जानते, ऐसे लोगों का क्या होता है? वो नीचे गिर जाते हैं। भले तुम देवताओं को दे रहे होंगे, इंद्र को दे रहे होंगे, चंद्र को दे रहे होंगे, गणेश जी को दे रहे होंगे, माता को दे रहे होंगे, अल्टीमेटली भोक्ता कौन है? बोलो बोलो, भोक्ता कौन है? भगवान। कोई बोल रहा जय माता दी, कृष्ण भोक्ता भगवान कृष्ण। भोक्ता कौन है? इशारा करो सभी लोग, एकमात्र भोक्ता है वो है भगवान श्री कृष्ण। आप अगर इंद्र जी को, चंद्र जी को, गणेश जी को, किसी को भी कुछ भोग लगा रहे, वास्तव में भोग करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। से बोला है मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। लेकिन कोई ये सोचता है कि मैं इंद्र जी को दे दूंगा, गणेश जी को दे दूंगा, दुर्गा मैया को दे दूंगा, शिव जी को कुछ दे दूंगा, तो वो भगवान को ही देना है, लेकिन किस प्रकार से? अविधि पूर्वकम, जो पिछले श्लोक में बताया था। अब सोचिए जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, कृष्ण ही परम स्वामी है, कृष्ण ही सभी चीजों के आनंद भोगने वाले हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है? अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं, अपनी कुर्सी में से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने से क्या मतलब है? पूर्व जन्म होना। बार बार नीचे गिरने से क्या मतलब है?
दूसरी बार 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 पतन हो जाता है, पतन हो बार बार जन्म लेना, नीचे की योनियों में भी चले जाते हैं, पतन होता है। नहीं नहीं, बार बार जन्म लेना वो अल्पज होता है। सही बताइए ना, जिसको बताना सही उत्तर दीजिए, एक बार उत्तर देना बस। उनको कोई किस कर्म में नीचे गिर जाता है आध्यात्मिक स्तर में, वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो जानता ही नहीं है। देवी देवता की पूजा गलत तो नहीं है ना, पर वो इस चीज को नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता है, भगवान श्री कृष्ण ही क्या है, ईश्वर है, प्रभु है। अच्छा कई बार आप लोग बोलते हैं प्रभु एक बात बताओ, आपको प्रभु क्यों बोलते हैं? क्या प्रश्न आता है, प्रभु जी आपको प्रभु जी क्यों बोलते हैं, आप भगवान हो गए क्या? या सब लोग जो आपस में हम बोलते हैं प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, क्या मतलब है प्रभु शब्द बोलने का? यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रभु, अर्थ क्या है प्रभु का अर्थ बताइए। स्वामी, हाँ स्वामी, अपने से ऊपर किसी को अगर हम स्वीकार करते हैं, जैसे कल हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में क्या नहीं बनना चाहता है, दास नहीं बनना चाहता, हर कोई क्या बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। बट हमारे जब भक्ति का कार्यक्रम है उसमें क्या होता है, बाकी सबको स्वामी स्वीकार करते और अपने आप को दास स्वीकार करते, तो आगे वालों को क्या बोलते हैं, प्रभु। माता जी लोग अपने घर पे अपने हस्बैंड को भी बोल सकते हैं मेरे प्रभु, मतलब जो भी है आपके प्रभु तो उनको आप बोल सकते हो कि ऑफिस जा रहे हो प्रभु टिफिन लेके जाओ, प्रभु कितने बजे आ रहे हो आप घर पे कोशिश कीजिए अच्छा लगेगा आपको। और प्रभु आप क्या खाओगे प्रसादम में, वो माता जी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ वो अगर माता जी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, वो माता जी नहीं बोलेंगे ना, वो क्यों माता जी बोलेंगे, तो हम प्रभु बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, प्रभु माता जी नहीं बोलना है उनको उनको देवी जी तो कह सकते हैं, देवी जी तो कह सकते, वैसे कहेंगे अपने बेटे की माता जी नो देवी देवी ठीक है हरे कृष्णा आगे बढ़ते हैं। तो भगवान जो है सभी योग्यों के, समस्त योग्यों के भोक्ता है और स्वामी है, ये क्लियर हो गया। कोई भी देवी देवता वगैरह कोई भी इसके भोक्ता नहीं है। अतः लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहच पाते, वे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, फॉल डाउन हो जाता है उनका, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता है तो। आइए अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसलिए श्लोक को याद रखेंगे। जो लोग ये बोलते हैं उनके लिए श्लोक आप ऐसे 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 करेंगे, कैसे करेंगे बोलो, ऐसे इशारा करो एक बार, कैसे करोगे ऐसे, तुम बोलते हो ना भगवान कृष्ण गणेश जी शिव जी से बराबर है। ओपन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 24 आई एम स्पीकिंग यू ओपन, तो खोलेंगे और उसको मालूम पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी के स्वामी हैं, और जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए कभी ये गलती नहीं करना कि सारे देवी देवता और भगवान बराबर हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। भगवान भगवान रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, और देवी देवता भगवान से अलग नहीं है, उनके ऊपर निर्भर है। तात्पर्य यहां यह स्पष्ट कहा गया है। अच्छा फिर से ये प्रश्न पूछ लेता हूं, ठीक है, शारदा माता जी माइक अनम्यूट कीजिए, शारदा माता जी ये आपस में हम लोग प्रभु क्यों बोलते हैं, माता जी मतलब प्रभु बोलते हैं जो, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, सम्मान भी देते हैं तो प्रभु जी बोलते हैं, अपने से थोड़ा जब बड़े हैं तो हम उनके लिए सम्मान देते हैं। तो श्रीमान जी क्यों नहीं बोल लेते हैं, प्रभु जी क्यों? श्रीमान जी भी बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं श्रीमान जी भी बोलते हैं, इस्कॉन में तो श्रीमान जी नहीं बोलते हैं, इस्कॉन की बात आपके लिए, जैसे प्रभु जी के लिए नहीं बोल पाएंगे ना, प्रभु जी के लिए क्यों नहीं बोल पाएंगे, प्रभु जी क्यों बोलते हैं? अब बोलते हैं जब हमको उपदेश दे रहे हैं, आप इतना सिखा रहे हैं तो उसका उसका ठीक है, कोई बात नहीं, उत्तर दिया हुआ है ना माता जी, लिखा हुआ अभी मैंने उत्तर बताया था इसलिए वापस प्रश्न पूछा। भावना गुप्ता माता जी, प्रभु जी हमें अपने आप को दास्य भाव में रखना है भक्ति में, इसलिए हम आपको प्रभु जी बोलते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति को स्वामी के रूप में स्वीकार करना है, अपने को दास रूप में, अगर ये भाव है इसलिए हम आगे वाले को प्रभु का मतलब क्या हो गया, प्रभु का मतलब यहाँ भगवान नहीं है,
परम प्रभु नहीं है। प्रभु का मतलब है हमारे से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, हमारे से जब हम उनको सम्मान देते हैं तो प्रभु शब्द बोलते हैं, जब उनको मालिक के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? प्रभु। ठीक है, तो आज के श्लोक में सीधा सीधा बता दिया है कि भगवान ही सभी देवताओं के भी ईश्वर हैं और सब यज्ञों के भोक्ता हैं। देवी देवताओं के लिए आप अगर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, उसमें भी भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि यज्ञ कौन है? जल्दी फास्ट, यज्ञ कौन है? विष्णु। यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञ मतलब विष्णु। जो कुंड है, यज्ञ कुंड भी जो मान लीजिए, वो भी उसमें जो आहुति डालते हैं वो भी भगवान का मुख कहा जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी का प्रभु माता जी जी माता जी, जब कोई व्यक्ति किसी भी और माता जी को, मतलब लेडीज है उनको माता जी बोल रहे हैं, तो उनको भी सम्मान दे रहे हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा फॉलो करेंगे, आपको हम सम्मान देते हैं। ये भी सम्मान सूचक शब्द है। ठीक है, और बाकी जो दूसरा उसका लिटरल मीनिंग है, वो लिटरल मीनिंग है कि मैं आपको माता जी के रूप में स्वीकार करता हूँ, मदर के रूप में स्वीकार करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है। वैदिक साहित्य में क्या बताए गए? अलग अलग यज्ञ वगैरह करने को बताए गए हैं। जैसे कि हमने पहले श्लोकों में पढ़े थे कि अग्निहोत्र यज्ञ करने होते हैं और ज्योतिषोम यज्ञ करने होते हैं, ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़े थे, जिससे कि स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति होती है। तो वैदिक साहित्य में ये बहुत सारी बातें बताई, इसको कौन सी बात बोलते हैं? ऐसी बातों को कौन सी बातें बोलते हैं? वेदास में ऐसी बातों को बोलते हैं स्वर्ग में कर्म कांड। बिल्कुल सही है, और एक और शब्द चाहिए, उत्तर सही है पूरा, एक और शब्द फास्ट फास्ट। हरि बोल, बता दो जल्दी बता दो। रिचुअल, जो डिफाइंड रिचुअल, वो तो हो गया, कर्मकांड हो गया। यस, कौन बताएंगे ऐसी बातों को क्या बोलते हैं वेदों की? जल्दी बताओ, एक और श्लोक करेंगे फिर। फ्लावरी लैंग्वेज, बाय वन गेट टू, गेट टू बाय थ्री, कुछ जो भी है। तो ऑफर जो होता है वो जो ऐसी भाषा जो है, ये करोगे तो वो मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये यज्ञ करोगे तो वहां जाओगे, ये जो सारी बातें हैं उसको वैदिक साहित्य में बताया गया है। और ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का, अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु यहां से समझिए, किंतु वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। अल्टीमेटली प्रसन्न कौन होने चाहिए? भगवान। इन सब यज्ञों के माध्यम से, यज्ञों का लक्ष्य क्या बोलिए? विष्णु की प्रसन्नता। कोई भी सैक्रिफाइस करेंगे, दान देंगे, आप गौशाला के लिए मान लीजिए घास या चारा देंगे, या घास काटेंगे, या कुछ झाड़ू लगाएंगे, पोछा करेंगे, सफाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये सब क्या है? यज्ञ। और यज्ञ किसके लिए होता है? भगवान श्री विष्णु के लिए होता है, कृष्ण के लिए होता है, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ क्या है? विष्णु लिखा हुआ है यहाँ पर, यज्ञ का अर्थ है विष्णु। यज्ञ का मतलब क्या हुआ बोलो? सुशीला शर्मा माता जी, यज्ञ का मतलब क्या है? सुशीला शर्मा माता जी, यज्ञ विष्णु विष्णु यज्ञ मतलब क्या होता है साधारण भाषा में? यज्ञ जो हम समझते हैं, यस मनु प्रभाकर जी, प्रभु जी यज्ञ, प्रभु जी जो हवन है, जो सब कर्म कांड है, जो एक तो यज्ञ ये हो गया जिसमें हम अग्नि जलाते हैं और उसमें आहुति डालते हैं। ठीक है, अभी भी हम एक यज्ञ कर रहे हैं, वो कौन सा यज्ञ है? श्रवण यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो भी एक यज्ञ है, आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं वो भी एक यज्ञ है, आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है, आप जाप कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है, आप संकीर्तन कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है। हर कोई क्या है? यज्ञ है, जब उसको भगवान के निमित्त किया जाता है। एकमात्र जो कलयुग के लिए रिकमेंडेड यज्ञ है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय आप जो है कुकिंग करेंगे, आप प्रचार करने जाएंगे, आप बाहर परचेजिंग करने के लिए जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे,
कभी भी आप कुछ भी करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। प्रभु जी बोल रहे हैं सोने से पहले, सोने के बाद नींद में परचेजिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपको बोलना है भैया एक शर्त देना, हरे कृष्ण 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 एक शर्त देना। कहने का अर्थ है कि हर एक कार्य भगवान को उद्देश्य रख के जब किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ का अर्थ विष्णु है। अब समझ में आ गया ना, यज्ञ मात्र ये हवन डालना नहीं है। अगर आप दान दे रहे हैं, अगर आप कुछ त्याग कर रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं, ये भी सब यज्ञ है। इन सब का यज्ञ का उद्देश्य भगवान श्री विष्णु है। भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें। कहां पर बताया गया है कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है, कहां पर बताया जी, कहां बताया, 3.9 रुको रुको आशिता जी, कहां बताया, नहीं याद की बात क्या, अभी इतने सारे लोगों ने बोला ना, कहां ध्यान था आपका, तो 3.10 3.9 इधर उधर देख रहे, इधर उधर कोई, हर क्षण भगवान को याद करना। माता जी हरे कृष्णा, तीसरे अध्याय का नवा श्लोक खोल के उत्तर दो, ठीक है। तीसरे अध्याय के नवे श्लोक में क्या बोला है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। अगर हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो वो क्या होगा, हमें बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन हम अगर हम कोई भी कर्म अपने खुद के लिए करेंगे तो क्या होगा, बंधन में डालेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, लीना पटेल माता जी बताएंगे, आपकी तबीयत खराब है मैं जानता हूँ, फिर भी अगर हो सकता है तो बताइए वर्ण आश्रम क्या होता है। वर्ण आश्रम वर्ण आश्रम क्या होता है, दीना पटेल मत जी, नहीं तो दीना पटेल माता जी बताइए। दीना पटेल माता जी बताइए, वर्णाश्रम बताइए वर्ण, चार वर्ण, हाँ क्या होता है वर्णाश्रम, चार वर्ण क्या है, नहीं याद है, अरे बताओ रवीना माता जी बताइए। चार वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ ने संन्यासाश्रम, અને ચાર વર્ણ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર, એટલે આશ્રમ સોરીઓ આશ્રમ કયો છે અને મતે કે બોલ વર્ણ કયો કોણ સા હે, ચાર વર્ણ છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, અને ચાર આશ્રમ, બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ। અને તમે તમારું નામ શું છે, હેલો, હા ઠીક હે, અબ તો મારી વાત નહીં સુને, ઠીક હે કોઈ વાત નહીં। तो चार वर्ण हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमेशा याद रखिएगा। ये क्लास में आई थिंक मैं 36वीं बार बता रहा हूं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या हो गए, चार वर्ण। और चार आश्रम क्या हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार आश्रम हो गए। इस प्रकार से टोटल चार आश्रम, आपको मालूम है क्या बात, चार आश्रम कौन से हो गए। अब देखिए हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए, अब अच्छे से, जब भी वर्ण की बात की जाए तो समाज को चार भागों में बांटना है, और जब भी आश्रम की बात की जाए तो एक मनुष्य के जीवन को चार भागों में बांटना है, ठीक है। तो समाज को चार भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मनुष्य जीवन को चार भागों में बांटेंगे तो क्या होगा,
ब्रह्मचारी, ग्रस्ता, वानप्रस्था और सन्यास। ठीक है, नेक्स्ट। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है। सबको अगर देखा जाए, पूरे मानव जाति को अगर इकट्ठा कर लें और एक साथ अगर कुछ नाम देना है तो क्या नाम देंगे आप? वर्णाश्रम। ठीक है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न के लिए करने के लिए है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? विष्णु को प्रसन्न करना। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी का, ग्रस्त का, वानप्रस्थ का, संन्यास का, सबका उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता। वर्णाश्रम चारवताम विष्णु पर पुमान। विष्णु जो है, भगवान कृष्ण है, उनकी प्रसन्नता के लिए ये वर्णाश्रम है। किसने बनाया ये वर्ण और आश्रम बताइए? ये चार वर्ण किसने बनाए थे? दयानंद, मैं चार ऑप्शन देता हूं आपको, ठीक है? ये चार वर्ण किसने बनाए थे मैं आपको ऑप्शन देता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? चार वर्ण रुक जाओ, जिसको किसको उत्तर देना? यस, प्रवीणा माता जी, तो आपको नहीं उत्तर नहीं देना, ठीक है? ये चार आश्रम किसने बनाए थे? चार वर्ण सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और दयानंद सरस्वती। जल्दी बताओ। अनीता माता जी बताएंगे। अनीता माता जी, अनीता टंडन माता जी को मालूम है? नहीं मालूम है प्रभु जी, पर इन चारों ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया चारों वर्ण आश्रम। फिर क्यों मालूम? नहीं मालूम है, क्योंकि मेरे को लगा शायद मैं गलत हूँ। ठीक है, इनमें से कौन उत्तर है जिसको मालूम है? इन चारों में से जिसको उत्तर देना है दे दो। इन चारों में से कौन है ये बता दो। कोई भी नहीं है इन चारों में से। आपको नहीं बोलना है? इन चारों में से कोई नाम है तो बता दो आप में से। भीमराव अंबेडकर या फिर अपने दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी या फिर आपके सुभाष चंद्र बोस। इसमें से कोई उत्तर है तो बोल लो, बाकी मत बोलना। बाकी नहीं बोलना है, बाकी नहीं बोलना है। जिसको बोलना है इसमें से उत्तर है वो बोलना है बस। इसमें से कोई उत्तर है? दयानंद सरस्वती। और कोई? और कोई? और कोई? मुझे लगता है दयानंद सरस्वती होने चाहिए। और कोई? दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी या कोई और है? बोलिए ना माता जी, ये चार वर्ण भगवान श्री कृष्ण ने बनाए हैं। और कहां पर कहा गया कौन बता सकता है रेफरेंस? रेगुलर डिवोटी उत्तर। आपको क्या बोला? उत्तर नहीं देना है प्रभु जी। कौन बताएगा कहां पर है ये श्लोक? आशिता जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत ढीले हो गए। कि ए पे नाम है आपका, ए बी सी डी में सबसे पहले ए आता है और ए में आकर के सब आप जेड पे चले गए। 4.13 में सब कुछ। यस, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं, चातुर्वर्ण मया शिष्टम। चातुर्वर्ण मया शिष्टम। शिष्ट मतलब बनाना, मया मतलब मैंने, गुण कर्म विभाग शह गुण और कर्म के आधार पर मैंने बनाया। क्या? चार वर्ण। तो किसने बनाया माता जी? सुशीला शर्मा माता जी। चार वर्ण किसने बनाए? सुशीला शर्मा माता जी। श्री कृष्ण भगवान। पक्का? दयानंद सरस्वती जी ने बनाए? पक्का? दयानंद सरस्वती जी पहले भी एग्जिस्ट करता था, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए जिनका माइक ऑन है, धन्यवाद। शारदा माता जी भी म्यूट कर देंगे, कृपा होगी थोड़ी सी। यस, तो जो वर्ण और आश्रम है उसका उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके, ग्रस्त आश्रम में रह करके, वरना वानप्रस्थ आश्रम में रह करके, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण में रह करके भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं क्योंकि मैं परम प्रभु हूं। मैं परम प्रभु हूं। प्रभु का मतलब क्या होता है रीमा पटेल माता जी? बताइए प्रभु का मतलब क्या होता है? स्वामी। स्वामी, पहले इसलिए घर पे माता जी लोग वगैरह क्या बोलते थे? स्वामी क्या लेंगे खाने में? स्वामी, स्वामी कब आ रहे घर पे? स्वामी। तो स्वामी का मतलब क्या है?
मालिक कुछ, हम जिसको मास्टर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण क्या है, परम स्वामी। और भगवान ने भगवद गीता के एक श्लोक में डिक्लेयर किया है कि मैं ही परम हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। श्लोक संख्या क्या है? मनु प्रभाकर जी के और आशिता जी के और अनिता टंडन जी के तो पूरा अलग से एग्जाम होगा, फिर भी कुछ भी मालूम नहीं है। कौन सा श्लोक है स्वाति जी, है कि नहीं? आजकल दिखते नहीं है, क्या बात है? फिर कहेंगे मैं वीडियो ऑन ऑफ करके बैठती हूँ आजकल। हरे कृष्णा। स्वीटी माता जी, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं? प्रभु जी बाहर हूँ मैं। बाहर तो आप बहुत दिनों से लग रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहे। कौन सा श्लोक है? प्रभु जी मुझे नहीं आता। ठीक है, कौन बताएगा? आठवां श्लोक है, यही वाला श्लोक 9.24। तो श्लोक संख्या है कौन सा? 18, 9.24। यस, भावना साहू जी बताइए। एक भावना जी ने सही उत्तर दे दिया, दूसरे भावना जी बताइए बताइए। जिसमें भगवान ये घोषित करते हैं कि मैं परम हूं, इस मेरे से परम कोई नहीं है। यही वाला होगा श्लोक, उससे पहले वाला नहीं पता। शाबाश शाबाश शाबाश। पूनम गर्ग माता जी, जो बहुत दुखी बैठे, उदास बैठे, जिससे कोई आज प्रसाद नहीं मिला हो, बताइए माता जी। मुझे नहीं, कुछ दिमाग लग रहा, सबको फीवर बहुत चढ़ा हुआ है हमारे यहाँ। नहीं याद आ रहा कभी जी मुझे। ठीक है, कौन बताएगा? 7.7, मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय अहम सर्वम इदम मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। जिस जिसको श्लोक याद हो ऐसा करके बैठ जाओ। ये था क्या? 7.7 भगवान कहते हैं मेरे से परम कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणैवा। क्या बोल रहे हैं भगवान? मत्तः परतरम, परतरम मेरे से परम कोई नहीं है, ना अन्यत किंचिदस्ति धनंजय, है अर्जुन और मेरे से ऊपर परम कोई नहीं है अर्जुन धनंजय। और उदाहरण क्या देते हैं भगवान, मैं कैसे हूं? अब तो बता दो स्वीटी माता जी। सूत्रे मणिगणैवा, जिस प्रकार से मोतियों की, मोती जो है किस पे बने हुए होते हैं, किस पे लगे हुए होते हैं? धागे पे। सूत्रे मणि गणैवा, कई बार हमें सूत्र तो नहीं दिखता है, क्या दिखते रहते हैं? मोती दिखते रहते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत को धारण कर रखा है, जिस प्रकार से मोतियों को धागे ने धारण कर रखा है। ठीक है, सूत्रे मणि गणैवा। और भगवान ने क्या बोला? मत्तः परतरम नान्यत्। याद करो, तीन बार बोलो मत्तः, इशारा करो फास्ट, सॉरी बोल, वीडियो ऑन करो। इतना क्या हो गया आप लोग, वीडियो छुप छुप के बैठे रहते हो, चाय पीते हो क्या बैठ करके? हाँ बता दो, चाय पी रहे हो तो इशारा करो। मत्तः, आवाज आनी चाहिए जोर से, याद रहेगा फिर। मत्तः परतरम ना अन्यत। यार भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे से परम कोई नहीं है, ना अन्यत। इसलिए श्लोक संख्या 7 अध्याय 7 इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है मैं समस्त योगियों का भुक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। सारा का सारा हफ्ता किसको जाएगा बोलो? हफ्ते का एंजॉयर कौन होगा, अल्टीमेट एंजॉयर कौन होगा? परम जो भोक्ता होगा वही तो होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं परम भोक्ता हूँ, सब कुछ काम कहाँ जाएगा? भगवान श्री कृष्ण को। जड़ कौन है बोलो? जड़ कौन है? श्री कृष्ण। देवी देवता भगवान, जनरली 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 जड़ दिखती है क्या?
नहीं, जड़ नहीं दिखती, जड़ सबका आधार है लेकिन जड़ दिखती नहीं है। वैसे भगवान श्री कृष्ण सबके आधार है, सबके मूल है, दिखते नहीं है। हमें देवी देवता वगैरह दिखते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं, उनको सम्मान देने लग जाते हैं, वास्तव में कौन है सबके आधार? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहा गया है मैं परम प्रभु हूं। नेक्स्ट, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अच्छा, देवता कितना लाभ देंगे? क्षणिक लाभ देंगे। सातवें अध्याय में भी हमने समझा था, सातवें अध्याय का कौन सा श्लोक है ढूंढ के निकालो, जिसमें बताया था देवता जो है वो क्षणिक लाभ देते हैं, देवता द्वारा दिया गया लाभ समाप्त हो जाता है। 7.21.22 क्या बात है, इतना फास्ट सुपर कंप्यूटर श्रीमती वंदना बारोट माता जी ने बताया है 7.21.22। देखते हैं बात सही है कि गलत है। हरी बोल। तो श्लोक संख्या 23 है माता जी, वंदना बारोट माता जी। हाँ प्रभु जी। आपने 23 क्यों नहीं बोला प्रभु जी? मुझे लगा 21-22 में देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वो अल्पज्ञ। बात कहाँ पर लिखा हुआ है? 23 में लिखा हुआ है, अंतवंत अंतवंत अंतवंत। बोलो अंतवंत, थोड़ा स्टाइल भी कर लो एक बार, अंतवंत 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 करो ना, अंतवंत अंतवंत अंतवंत, मतलब कि अंत होता है किसका, जो भी देवी देवता फल देते हैं। थोड़ा सा आपको खुश रखने के लिए ऐसा करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। अंत वंत तू फलम तेषाम, फल जो है वो कैसा है, इसका अंत हो जाता है, ऐसा फल देवी देवता देते हैं। और कौन से लोग उनकी पूजा करते हैं? अल्प मेधसाम। और इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, बताइए जल्दी से कौन सा एग्जाम्पल दिया, बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए। देवता लोग तो जो है हमारी इच्छा पूरी कर लेते हैं लेकिन भगवान पूरी नहीं करते, इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है? जिसने एग्जाम्पल दिया उत्तर दिया उसको मैं प्रसाद दिखा सकता हूँ एटलीस्ट, बताइए कौन सा एग्जाम्पल दिया था, जल्दी 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 हरि बोल फास्ट। जितने भी डिवोटी आज क्लास में आए उनसे रिक्वेस्ट है डेली आया करो, ऐसे हंसी मजाक भी होता है नहीं तो मिस करोगे। मम्मी से बच्चा आइसक्रीम मांगता है पर मम्मा नहीं देती है। यस, आइसक्रीम जो है अगर वो पैसे लेके किसी दुकान वाले के पास जाता है तो वो आइसक्रीम दे देता है, लेकिन अगर उसकी माँ से पूछेगा कि माँ आइसक्रीम खानी है तो माँ उसको अलाउ नहीं करती है। तो देवी देवता कैसे हैं? उस दुकान वाले जैसे, कुछ पैसे दे दो तो वो जो है आपको आइसक्रीम दे देंगे। भगवान कैसे हैं? माँ के जैसे, कि तुम्हारी तकलीफ हो जाएगी, तुम ये आइसक्रीम मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा, तो नहीं देते भगवान। इसलिए क्या कहा गया है कि जो अल्पज्ञ लोग हैं वो इस तथ्य से अवगत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं, अतः वह क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। कितना लाभ चाहिए? क्षणिक। भगवान की भक्ति करेंगे तो कैसा लाभ मिलेगा, देवताओं की भक्ति करेंगे तो कैसा लाभ मिलेगा? एक लाइन में उत्तर देना भी और लिखना भी है, देना भी और लिखना भी है, ठीक है, देना भी और लिखना भी है। हरि बोल। भगवान की भक्ति करेंगे तो परमानेंट लाभ मिलेगा और देवताओं की भक्ति करेंगे तो क्षण। मुझे एग्जैक्ट एग्जाम्पल चाहिए, एग्जैक्ट उत्तर चाहिए। प्रभु जी देवताओं की भक्ति करेंगे तो टेम्पररी फल मिलता है और भगवान की करेंगे तो परमानेंट भगवत धाम मिलेगा। बताओ देवताओं की पूजा करते तो क्या मिलता है? देवलोक को जाते हैं किंतु परम भक्त जो है वो अनंत परम धाम को प्राप्त होते हैं। भौतिक लाभ मिलेगा अगर देवताओं की पूजा करेंगे और भगवान की करेंगे तो सच्चिदानंद मिलेगा प्रभु जी। देखिए हमने होती है पुनर्जन्म नहीं होती, करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जहाँ भगवान का भक्ति करेंगे तो पुनर्जन्म नहीं है, दुखालय जीवन से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, वैसे तो आगे श्लोक आने वाला है बट मैं आपको बता देता हूँ। यस जीतू भंबानी जी, ये बाकी दूसरे भगवानों की भक्ति करेंगे तो भौतिक जगत में सिर्फ लाभ मिलेगा, बाकी अगर अगर कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो सिर्फ मोक्ष, मतलब सिर्फ भगवान के कृष्ण भगवान के साथ, मतलब ऐसा समझ लो उनकी उनकी भक्ति होगी हमसे। यस माता जी, विभा माता जी। जी प्रभु। क्या क्या या प्रभु? ठीक है, वो दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करेंगे तो क्षणिक लाभ है भगवान के। बहुत मुस्कुरा रहे थे, उत्तर सही है गलत है कुछ समझ में नहीं। नहीं, वो जीतू बंबानी जी और
दूसरे भगवानों की बोला हुआ है, दैट्स व्हाई कि दूसरे भगवानों की पूजा करें। भगवान तो एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब तो क्या है, देवी देवता है। तो जब भी कोई देवी देवताओं की पूजा करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? तो धन संपत्ति मिल जाए, कुछ अच्छा देवलोक मिल जाए, और बहुत ऐशो आराम मिल जाए, बहुत ही ज्यादा भव्यता मिल जाए। लेकिन क्या होगा, वो भव्यता, वो ऐशो आराम, वो देवलोक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो क्षणिक होता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगी, बोलो क्या मिलेगी? अनन्य भक्ति, भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, और भगवान के धाम जाकर के भी हम उस दिव्य भक्ति का अभ्यास कर पाएंगे। तो ये फर्क है देवी देवता की पूजा करने में और भगवान की भक्ति करने में। देवी देवता जितना भी बड़ा से बड़ा लाभ देंगे ना, बड़ा से बड़ा, किसका एग्जांपल लू आप में से, किसका एग्जांपल लू, कौन फंसेगा अभी? हरी बोल 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 या लीना विज माता जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, कितने बच्चे आपके? एक ही बेटी है प्रभु जी। एक बेटी है, ठीक है। तो आपकी बेटी जो है आपसे बोलती है, माता जी मुझे 10,000 रुपए चाहिए जी, तो आपने उनको दे दी। फिर उसने बोला कि मुझे 20,000 चाहिए, आपने उसको दे दिए। फिर उसने बोला 50,000 चाहिए, आपने दे दिए। फिर उसने बोला 1,00,000 रुपए चाहिए, आपने दे दिए। फिर वो बोलती 1,10,000 चाहिए, तो आपने क्या बोला? नहीं, मेरी लिमिट 1,00,000 तक की जी प्रभु। उससे ऊपर वो दे ही नहीं सकते। बेस्ट टू बेस्ट अगर देवता दे सकते हैं, वो स्वर्ग लोग भोग ऐश्वर्य दे सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया अगर कोई दे दे तो भी जी प्रभु। अब मान लीजिए 1,00,000 से ऊपर चाहिए तो आपकी बेटी को क्या करना होगा? उससे प्रभु जी खुद काम करना सिखाऊंगी ना मैं, रोज रोज मैं नहीं दूंगी। अरे अब क्या झगड़ा चल रहा है क्या आपका? राजीव जी पापा जी के पास, राजीव जी का कुछ झगड़ा चल रहा है? नहीं प्रभु जी, मैं जोधपुर आई हुई हूँ बेटी के पास, मैं और पापा तो एक ही है ना प्रभु जी, देने वाले तो हम दोनों ही हैं, ऐसे अलग नहीं। परमिशन की बात हो रही है, जब फादर से पूछा गया तो फादर ने बोला कि ठीक है 1,20,000 चाहिए ले लो, 1,50,000 चाहिए ले लो, 2,00,000 चाहिए ले लो। उनके पास सब कुछ परमिशन थी, उनके पास अथॉरिटी थी उस चीज की, इसलिए उन्होंने जो भी मांगा वो दे दिया। लेकिन माता जी के पास कितनी अथॉरिटी थी, मान ली है 1,00,000 रुपए की अथॉरिटी। तो देवी देवता जो कितना दे सकते हैं, मात्र 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 लिमिटेड दे सकते हैं, लिमिटेड है, लिमिटेड दे सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, तो देवी देवता जो हैं लिमिटेड दे सकते हैं, लेकिन जो भगवान है वो अनलिमिटेड दे सकते हैं। हमेशा ये लाइन याद रखेंगे, मैंने आपको 7वें अध्याय में अंतर लिखवाया था, पूरी टेबल बनवाई थी, देवता और भगवान, देवता और भगवान 7वें अध्याय में बनवाया था, 7 श्लोक संख्या 21, 22, 23 इस समय एक टेबल बनवाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी तरह का बहुत अच्छा श्लोक आने वाला है, तो आप सभी लोग उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा जा रहा है, अतः वे संसार में आ गिरते हैं, कहां से आ गिरते हैं, देवी देवताओं ने जो लाभ दिया था, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति जो भी थी उससे भी नीचे आकर के गिर जाते हैं। देवी देवता कहाँ तक भेज सकते हैं, स्वर्ग लोक आदि तक, वहां से आकर के वापस गिरना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है, वे अतः वे संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। जीवन का लक्ष्य कौन है, बोलो? ठीक है, दो चार शब्द बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लो, ठीक है, दो चार शब्द बोल रहा हूँ, लिखिए टॉपिक, लिखिए आत्म साक्षात्कार, सॉरी जीवन का लक्ष्य लिखिए, जीवन का लक्ष्य नीचे उत्तर में लिखिए, उत्तर में लिखिए। दिख रहे हैं कि नहीं लोग, से सब ऐसे दिखा रहे हैं, मुझे पेन दिखा रहे हैं। जीवन का लक्ष्य नीचे लिखिए, आत्म साक्षात्कार, एक कृष्ण साक्षात्कार, दो पूनम सोनी जी बर्तन क्यों बजा रहे, क्या बना रहे, चाय?
सोनम जी पहला क्या लिखा, आत्म साक्षात्कार, दूसरा कृष्ण साक्षात्कार, तीसरा मुक्ति, चौथा भगवत धाम, पांचवा गोलोक वृंदावन धाम। समझ नहीं आया कितनी लिखा, गोलोक वृंदावन धाम भगवत धाम, गोलोक वो हो सकता है ना, वैकुंठ धाम हो सकता है, भगवत धाम में वैकुंठ धाम भी आ गए, गोलोक वृंदावन धाम, उसके बाद लिखिए माया से मुक्ति, तीनों गुणों से ऊपर उठना, इत्यादि इत्यादि। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सब क्या है, अब इसको क्या समझेंगे आप, लगभग ये एक दूसरे के सिनोनिम है, बराबर है, कि मुक्ति बराबर गोलोक धाम बराबर जो है तीनों गुणों से मुक्ति बराबर भौतिक बंधन से मुक्ति बराबर आत्म साक्षात्कार बराबर कृष्ण साक्षात्कार बराबर, ये सब कुछ लगभग बराबर है। तो जब भी जीवन का लक्ष्य बोला जाए तो अगर ये शब्द कहीं पर आते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर तो ये बोला गया यहाँ तो ये बोला गया, लगभग बराबर है, ठीक है। तो कहा जा रहा है यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है। कोई भी भौतिक इच्छा भी है तो भी किससे प्रार्थना करना चाहिए, बोलो, भगवान कृष्ण। जैसे लीना विज की, लीना विज माता जी की बेटी है, उसको एक लाख रुपए चाहिए, एक लाख तक चाहिए तब तो वो माता जी को अप्रोच करती है, एक लाख से ऊपर चाहिए तो भगवान को अप्रोच करती है, एक बात सॉरी पिताजी को, और एक लाख से क्या, एक लाख से कम, मतलब एक लाख और एक लाख से कम उसके पिताजी नहीं दे सकते क्या, भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं ना। तो वैसे यहाँ समझने की बात है कि अगर किसी को भौतिक लाभ भी चाहिए उसके लिए भी कृष्ण से प्रार्थना करने चाहिए, और यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, ये प्योर डिवोशन नहीं है तो पक्का है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा, रियल डिवोशन प्राप्त हो सकेगा, वास्तविक फल प्राप्त हो सकेगा जब वो भगवान के पास जाएगा। जो भी उसको चाहिए उसके लिए प्रार्थना किससे करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और उसे उसको वांछित फल जो भी इच्छा है वो फल उसे प्राप्त होगा, क्योंकि देवी देवता तो शायद कुछ फल दे पाए और कुछ फल नहीं दे पाए, लेकिन भगवान कृष्ण सब फल दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हरे कृष्ण, सारे डिवोटी से रिक्वेस्ट करता हूं रेगुलर आया करो, और बाकी सब लोगों को भी बताओ, जन्माष्टमी आ रही है सबको बताना है, क्लास अटेंड किया करो, भगवद गीता पढ़ा करो, सबको बताया करो।